हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा ओएसएस टीटी एग्जाम 2021 किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो रे मुझे आसी 20 क्वेश्चन। तो आपण मैंने चाहिए आउट ऑफ 20 केते मार्क रखुंत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी मध्य जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो टी आपण मानकर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर ओएसटीटी सीटी बीएड जेटी समस्त एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहिबो। तो देखने कौन रही क्वेश्चन आपते मार्क रखुं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर निहित भाव जनई पारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचर सेंटर लर्निंग। तो यही चार्ट ऑप्शन मध्य कौटा गोटे टीचर सेंटर बा शिक्षक केंद्रिक शिक्षण नुहे से पचार। तो देखु ये आप मानकर एक्सप्लेनिंग डिस्कसिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग ए जो ये तीन टा जाक हूँ टीचर सेंटर लर्निंग। आउ ऑप्शन ए जो रही आप लर्निंग बाय डूइंग माने करी ही आम किसी शिखिबा एटा आप मानर हूँ लर्नर सेंटर बा शिक्षार्थी केंद्रिक। तो ये पचार कोटा टीचर सेंटर नुहे। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ लर्निंग बाय डूइंग इज नॉट ए टीचर सेंटर लर्निंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रिएटिव लर्नर वन हु इज गुड एट। जड़े क्रिएटिव बा जड़े सृजनशील शिक्षार्थी कौथरे भल बा बेस्ट अटे कौथरे भल अटे मैथमेटिक्स रे ना लिटरेचर ना सेंट्रल थिंकिंग ना लेटरल थिंकिंग। तो कौन हम ना करेक्ट आंसर होची लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग माने किसी नुआ करिकी से किसी नुआ चिंता करिकी किसी क्रिएटिव करिवो। तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए सोशल नीड ऑफ द एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस समय रे से स्टेज रे कोटा गोटे सामाजिक आवश्यक नुहे। तो स्टेटस दरकार पड़ी आमर एडोलेसेंस समय रे कैसर अवस्था समय रे तापर इंडिपेंडेंस निजे स्वाधीनता भी सेटा भी सोशल नीड रोचे आउ अफेक्शन आम जो स्नेह बा प्रेम जो रोचे सेटा मते गोटे तार सोशल नीड रोचे किंतु अचीवमेंट एटा तार सोशल नीड नुह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडागोजी इज द साइंस ऑफ डेस। तो यहाँ पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग। तो ये क्वेश्चन टा दुई थर तीन थर रिपीट होती। तो टिके मॉडिफाई करके आपन क्वेश्चन आसुची। तो आपन माने देखिथिबे काली मु वीडियो अपलोड करथिली तो सेथिरे ए क्वेश्चन टा आसतिला किंतु टिके मॉडिफाई करी पचारथिला व्हाट इज कॉल्ड एज पेडागोजी पचारथिला व्हाट इज कॉल्ड एज पेडागोजी। तो तार आंसर थिला साइंस ऑफ टीचिंग। तो ये कौन पचार पेडागोजी इज द साइंस ऑफ डेस पचार खाली टिके मॉडिफाई कर पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी को किए प्रोपाउंड करते। तो ये करेक्ट आंसर आपन कौन हम तो पाव्लोव रही स्किनर रही एरिक्सन रही कोहलबर्ग रही। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी कहींपर ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी मत यहाँ को कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट सोशल ग्रुप विथ विच ए चाइल्ड इन कांटेक्ट विथ। तो से कौन पचार कौटा गोटे प्रथम सामाजिक ग्रुप बा सोशल ग्रुप जहाँकि गोटे छुआ गोटे पिला प्रथम कांटेक्ट रे आसे को सामाजिक ग्रुप सहित तो गोटे छुआ प्रथम सर्वप्रथम कांटेक्ट रे आसे तार फैमिली सहित तो, ना तार पड़ोसी सहित तो, ना तार विद्यालय सहित तो, ना तार गोटे समुदाय सहित तो। तो ये आप मानकर करेक्ट आंसर है फैमिली प्रथम फैमिली सहित कांटेक्ट रे आसे तापरे पड़ोसी तापरे आप कम्युनिटी तापरे स्कूल ये आसे आप। तो ये पचार फास्ट को ग्रुप रही तो फास्ट फैमिली सहित से कांटेक्ट रे आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय रोगर्स रेफर्स टू। तो जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग डा रोगर्स आमर काल रोगर्स प्रोपाउंड करथिले तो सेटा काहा को रेफर करूची कंटेंट सेंटर ना टीचर सेंटर ना लर्नर सेंटर ना प्रोग्राम सेंटर। तो ये अपना सठिक आंसर होची लर्नर सेंटर बा शिक्षार्थी केंद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर ग्रोथ इन इन्फेंट्स ऑफ इन्फेंट्स। तो कौन कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स जड़े शिशुर ग्रोथ पाई कोटा सब बेस्ट पचार नॉर्मल डाइट
ना मिल्क डाइट ना फूड जूसी ना मिल्क एंड अदर न्यूट्रिटिव डाइट। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी मिल्क एंड अदर न्यूट्रिटिव डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये चारिटा स्टेटमेंट मधुर कौटा करेक्ट नुह से पचार डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तापर गोटे रही डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट ए यूनिफॉर्म रेट डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो देखो ये आपण कौटा करेक्ट नुह से पचार तो देखो डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ये ठीक डेवलपमेंट बा विकास गोटे उभय गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अटे यहाँ राइट। तापर आपने डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस डेवलपमेंट गोटे धारावाहिक प्रक्रिया यहाँ भी ठीक डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक साधारण रु निर्दिष्ट आड़ को गति करे यहाँ भी ठीक किंतु डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट ए यूनिफॉर्म रेट माने गोटे माने आम जो डेवलप विकासटा गोटे समस्त समस्त गोटे रेट्रे डेवलप हुए यहाँ ठीक नुह कार तो विकास आमर जो डेवलपमेंटा सात वर्ष बयस होता है कार आठ वर्ष बयस रही था तो डेवलपमेंटा सब गोटे यूनिफॉर्म रेट्रे हुए ना तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड इज इगोसेंट्रिक। तो कौ स्टेज रे गोटे छुआ इगोसेंट्रिक होता है सेंसोरी प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल। तो करेक्ट आंसर होची प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे छुआ इगोसेंट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो देखो गोटे शिशुर विकास को कौटा इंडिकेट करुच्ची गोटे शिशुर डेवलपमेंट को कौटा इंडिकेट करुच्ची इनक्रीज हाइट वेट ए दुटा आम ग्रोथ उपरे जदि गोटे चाइल्ड रो हाइट इनक्रीज होची वेट इनक्रीज होची तो तार लिम्स रो साइज इनक्रीज होची तो एगुडा सब ग्रोथ रे जाउची ग्रोथ रे किंतु ए डेवलपमेंट पचारि तो डेवलपमेंट जाउची तार फंक्शन ऑफ लिम्स इनक्रीज इन फंक्शंस ऑफ लिम्स तो लिम्स रो द फंक्शन गुड़ाक इनक्रीज होची सेटा को डेवलपमेंट कहा जाए ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ए चाइल्ड यूजुअली अपीयर्स एट द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो कौन कही आम हाई स्कूल एग्जामिनेशन रही जो टेन्थ क्लास एग्जाम रोचे से ही समय गोटे पिला कौ विकास कौ स्टेज थाए गोटे पिलार विकासटा कौ स्टेज थाए टेन्थ क्लास समय तो चाइल्डहुड रे ना लेट चाइल्डहुड ना एडोलेसेंस ना एडल्टहुड। तो देखंतु चाइल्डहुड तो हबनी कि लेट चाइल्डहुड हबनी आप समस्त जानते तो टेन्थ क्लास पढ़ुची मैंने गोटे पिलाटी पंद्रह षोह वर्ष बयसर पिला तो सहीटा आपर एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड एडल्टहुड ए दुटा भितर कन्फ्यूज रे तो एडल्टहुडा अठर वर्ष आरंभ होडल्टहुडा अठर वर्ष आरंभ हो तो आप अठर वर्ष मैंने प्लस टू पास करके प्लस थ्री फास्ट इयर जॉइन होती क्यों मैंने प्लस टू कम्प्लीट हो जाए तो यहाँ भी हमने तो आपर एडोलेसेंसटा हाँ एडोलेसेंसटा आरंभ हो दस वर्ष रु उन्नीस वर्ष मध्य अठर वर्ष मध्य दस रु अठर रोचे तो एडोलेसेंस आपर करेक्ट आंसर हो तो जड़े टेन्थ क्लास एग्जाम दौर तो सी पाटा एडोलेसेंस स्टेज रही कहीं एडोलेसेंस स्टेज रे दस वर्ष आरंभ हो अठर वर्ष मध्य हुए अठर उन्नीस वर्ष मध्य रही था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लू प्रिंट। तो गोटे ब्लू प्रिंट रे कोटा न थाए तो देखंतु एठी चारटा ऑप्शन देची रिलेटिव वेटेज ऑफ कंटेंट रिलेटिव वेटेज ऑफ डिफिकल्टी लेवल रिलेटिव वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिव वेटेज टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स। तो देखंतु गोटे ब्लू प्रिंट बाहर कराया आम प्रश्नपत्र प्रस्तुत में ब्लू प्रिंट तैयार करा जाए तो से कंटेंट उपर वेटेज दि जाए आम जो विषय वस्तु उपर गुरुत्व दि जाए तापर आप कौ टाइप क्वेश्चन प्रकार माने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पड़े शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पड़े मल्टीपल चॉइस के दी मार्क के रही क्वेश्चन उपरे क्वेश्चन टाइप उपरे गुरुत्व देपर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट उद्देश्य उपर आम शैक्षिक उद्देश्य उपर से गुरुत्व यो ब्लू प्रिंट गुरुत्व दि जाए या किंतु डिफिकल्टी लेवल को वेटेज दि जाए ना तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ओटीटी बहुत बार आसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ द रोल ऑफ ए टीचर। गोटे टीचर कौ भाई हवा दरकार नुहे से पचार तो देखु टीचर गोटे फैसिलिटेटर होगा दरकार, फिलोसोफर होगा दरकार, गोटे फ्रेंड टाइप रहा दरकार, गोटे सांग भाई गोटे शिक्षक होगा दरकार, ये तीन टा जाक होगा दरकार किंतु नॉट एसोसिएटेड पचार तो ये ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर रूपे गोटे टीचर रोल होगा उचित नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डेस। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कौ भाया होगा उचित से पचार कौ भाया होगा उचित, डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, आइडलिस्टिक। तो करेक्ट आंसर होची डेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैंडिडेट इज वर्किंग हार्ड टू क्वालिफाई द ओएसटीटी एग्जाम, द कैंडिडेट इज सेड टू हैव बीन मोटिवेटेड। कौन कहे ना जड़े कैंडिडेट जड़े शिक्षार्थी तो ओएसटीटी एग्जाम क्वालिफाई करने से निजे हार्ड परिश्रम करुच्ची तो सेटा जो करुच्ची तो से जो मोटिवेटा होटा कौ प्रकार मोटिवेट पचार कह तो आपर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली माने गोटे पिला ओएसटीटी से कौन भावुच मु ओएसटीटी रे एथर निश्चय भाव क्वालिफाई करी माने से निजे को निजे से मोटिवेट करुच्छे तो यहाँ अंत अभिप्रेरणा हम अंत अभिप्रेरणा बा इंट्रिंसिकली मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप क्वेश्चन आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड। तो गोटे पीरियड लास्ट स्टेप रे को भले क्वेश्चन पचारा जाए, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, सबमिटिव, फॉर्मेटिव। तो देखो तो प्लेसमेंट तो हेनी प्लेसमेंटा एंट्रेंस टेस्ट जो गुड़ा रही जो सीटी, ओटीटी, ओएसटीटी, बीएड ये सब एंट्रेंस टेस्ट गुड़ाक हो प्लेसमेंट टाइप इवैल्युएशन रे जाउची। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये आपने वीकनेस कौन रही है सेटा चेक करने डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जाए, एटा तो आपर लास्ट स्टेज रे हुए ना। लास्ट स्टेज रे आपने कौन करा जाए ना टीचिंग रो लास्ट टीचिंग पीरियड रो लास्ट स्टेप हो जो क्वेश्चन पचार सबमिटिव हम सबमिटिव हम। तो देखु ये आप क्वेश्चन रो आंसर ए दुटा जगह देखिए आप ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल आंसर की रही फॉर्मेटिव रही सबमिटिव रही तो ये सबमिटिव मो मत ठीक करेक्ट आंसर। तो आपने को मतरे कौन हम करेक्ट आंसर आपने जन पारे सबमिटिव फॉर्मेटिव दुटा जगह देखिए आप सी एंड डी देखिए ऑफिशियल आंसर की रे। इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस द पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज लिस्ट। तो कौन कह भाया क्वेश्चन रे गेसिंग करिबा बहुत कम संभावना थाए तो देखो तो गेसिंग केत जितेबले गोटे क्वेश्चन रे ऑप्शन थी से आम गेस करवा आप माने गेस करके क्वेश्चन रे आंसर देबे। तो देखो ये आप रही कंप्लेसन टाइप माने शून्य स्थान पूरण ये तो ऑप्शन ना ये आप गैस गैसिंग कर कौन जरूरत ना ये गला आप मानक यहाँ हूँ येस ये हूँ आप आंसर इन सिंगल वर्ड ये आप हमें ये आप येस और नो ये मैंने दुटा ऑप्शन रोचे दुटा भितर कौटा गोटे तो यहाँ तो आप संभावना गैस कर संभावना बहुत अधिका थाए कि फोर टाइप चार्टा ऑप्शन थी आप बहुत मानने गैस गैस करें लिखा बहुत कम रहे कहीं आम चार्टा भितर यहाँ हम मैंने आपँ बेस कन्फ्यूज हम आठ गेसिंग करा बहुत कम हम गेसिंग करार संभावनाटा से बहुत कम आसूची तो ये आप करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी फोर टाइप आमर जो रही जो रही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोज फोर टाइप से गेसिंग करार पॉसिबिलिटी बहुत कम थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट करेक्ट। ये चारिटा मध्य कौटा करेक्ट नुह से पचार तो डेवलपमेंट उपर बहुत गुड़े क्वेश्चन आसो देखु डेवलपमेंट इज ए लाइफ लंग प्रोसेस ये ठीक डेवलपमेंट आलवेज टेक्स प्लेस इनफर्मली यहाँ
ठीक नुहे। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक, एटा भी ठीक। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैच्युरेशन, विकासटा मैच्युरेशन टा केबे स्टॉप होइनी, ग्रोथटा मैच्युरेशन अटेंड हला परे से स्टॉप हो जाए, किंतु डेवलपमेंट स्टॉप हुए ना। तो ये भी करेक्ट रही, ये भी करेक्ट रही, ये भी करेक्ट रही, ये भी करेक्ट रही। ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली, माने गोटे यूनिफॉर्म रेट रे सब बेले विकासटा हुए, एटा ठीक नुह। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट, कोटा गोटे रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट पचारी। तो देखो ट्रू फॉल्स मैचिंग मल्टीपल चॉइस, ये तीन टा रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट अटे, किंतु सेंटेंस कंप्लीशन एटा गोटे रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट नुहे। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे कोटा मोटिवेशन रो फंक्शन अटे से पचारी। तो इट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, इट आइडेंटिफाइज द मेथड ऑफ टीचिंग, इट रीइन्फोर्समेंट द लर्नर्स बिहेवियर, इट आइडेंटिफाइज द लर्नर्स वीकनेस। तो देखंतु मोटिवेशन डा कौन से पचारि टीचिंग लर्निंग रे, तो देखंतु टीचिंग लर्निंग रे मोटिवेशन डा हमकु रीइन्फोर्समेंट दिए, पुनर्बलन दिए। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, इट रीइन्फोर्सेस द लर्नर्स बिहेवियर, लर्नर बिहेवियर को हमर मोटिवेशन टा रीइन्फोर्समेंट बा पुनर्बलन जगाई थाए। तो ये थे आज 20 क्वेश्चन। तो आपने मैंने आउट ऑफ 20 केत मार्क रखी कमेंट बॉक्स में जनई पारे। जदि भिडियो भल लगी ताहले नियत गोटे लाइक करेंगे और अधिकार अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक सेयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय जगन्नाथ।